मानसून शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि ट्रेन और बसों की छतों से पानी गिरने की तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया है रायबरेली रेलवे स्टेशन से। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शेड में होने के बावजूद यात्री पानी से नहीं बच पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि पूरा प्लेटफॉर्म पानी से भर गया है। स्टेशन पर ऐसे पानी गिर रहा है जैसे कोई वॉटरफॉल हो। शेड होने के बावजूद इतनी तेजी से बारिश का पानी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्टेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। वीडियो के आते ही डबल इंजन सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि इससे पहले यूपी सरकार पर सवाल तब उठे थे जब बस की छत से टपकते पानी की वजह से परेशान यात्रियों का वीडियो सामने आया था। एक सरकारी बस में यात्रियों को छाता लेकर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वायरल वीडियो ने यूपी रोडवेज बसों की दुर्दशा को उजागर कर दिया था। ऐसे में जैसे ही रायबरेली के रेलवे स्टेशन से ये वीडियो आया, मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब इन आरोपों में क्या सच्चाई है, कौन जिम्मेदार है, ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया पर आरोपों की बाढ़ आ गई है, जिससे मोदी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। पार्टी ने लिखा कि 43 करोड़ रुपए से एक साल पहले पुनर्निर्मित रायबरेली रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया था। देखिए, इसमें वॉटरफॉल की सुविधा भी भाजपा सरकार ने यात्रियों के लिए रखी है। दरअसल ये वॉटरफॉल नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का परनाला है जो भाजपा सरकार में बह रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, साथ ही तंज भी कस रही है। लेकिन इन सब मामलों के आने के बाद सवाल उस कंपनी पर खड़ा होता है जिसे स्टेशन के निर्माण कार्य का काम सौंपा गया था। उस निरीक्षण अधिकारी पर भी सवाल उठना चाहिए जिसने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। सवाल उस अधिकारी पर उठना चाहिए जिसकी निगरानी में काम हुआ था। अब इस वीडियो के आने के बाद से सवाल ये है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है, कब जांच कमेटी का गठन करती है। क्या सिर्फ नीचे बैठे लोग ठीक से काम नहीं कर रहे और जेबें भर रहे हैं? क्या जिस कंपनी को टेंडर मिला उसने झोलझाल किया, या फिर सरकार में बैठे लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं? वजह जो भी हो, लेकिन विपक्ष किरकिरी तो सिर्फ मोदी सरकार की ही कर रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात एक और है, और वो ये कि समाजवादी पार्टी ये फैलाने में लगी है कि रायबरेली स्टेशन के कायाकल्प में 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन जब हमने इसकी तह में जाने की कोशिश की तो हमारे हाथ ऐसा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट नहीं लगी जिससे ये साबित हो कि इस पूरे कार्य में 43 करोड़ का खर्चा हुआ। इसलिए हम किसी दावे की पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्लेटफॉर्म की ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और अधिकारियों की लापरवाही का नमूना है। मामला सिर्फ एक ही नहीं है। आपको याद होगा जब सरकार के अत्याधुनिक वंदे भारत के अंदर पानी टपकने लगा था, उस पर भी खूब बवाल मचा था। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी भी की थी, यानी यातायात के लिए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। खासकर मानसून में रेलवे बसों की खस्ता हालत की ये तस्वीरें और वीडियो आना अब आम हो गया है। बार बार सरकार पर सवाल उठते हैं और अब एक और मामला सामने आ गया। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब और क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।